मुर्तजा रहमान, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के लिए। रिंगिंग बेल्स का MD मोहित गोयल, जिस पर 251 रुपए वाले फोन बेचने और धोखाधड़ी करने का आरोप है, महज 8वीं पास है। हालांकि लिंक्डइन के अपने प्रोफाइल में उसने खुद को एमएलटी यूनिवर्सिटी से MBA और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होल्डर बताया है। रिंगिंग बेल्स कंपनी पिछले साल अचानक सुर्खियों में आई थी, जब उसके MD मोहित गोयल ने फ्रीडम 251 के नाम पर से सिर्फ 251 रुपए में फोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हैं, दुगलापन करते हैं। हिम्मत है तो अमेठी में आकर बताएं कि किसानों की मदद के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा, जिस क्षेत्र को राहुल गांधी अपने कार्यकाल में विकसित नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों के लिए चुनाव होना था, लेकिन एक विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित हो गया है। अंबेडकर नगर की आलापुर सीट के सपा प्रत्याशी की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित किया गया है। अब यहां पर 9 मार्च को मतदान होगा। ऐसे में पांचवें चरण में अब 51 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। 26 महीने से नाबालिग खिलाड़ियों के शोषण का अड्डा बनी बैडमिंटन अकादमी की एसोसिएशन 33 साल से अवैध है। कमेटी के सचिव KC श्रीवास्तव की शिकायत पर लखनऊ मंडल के डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार अजय गुप्ता की जांच से ये खुलासा हुआ है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने एसोसिएशन की वर्तमान प्रबंध समिति को अवैध करार देते हुए फिर से चुनाव कराने का आदेश दिए हैं। मौलाना अंसार रजा ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इसका मतलब उनके पास प्रमाण है। अगर मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है तो वह अपने पिता के सर पर हाथ रख कर के कसम खाएं। मौलाना अंसार रजा ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 चरणों के चुनाव के बाद जब देखा कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू कर दी। कि कुछ लोग साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे और नेताजी के दरमियान झगड़ा करवाया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप, जाहिर सी बात है कि उनका इशारा शिवपाल जी की तरफ था, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप शिवपाल को वोट देने से मना कर रहे हैं तो आप किसको वोट दिलवाना चाहते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है, अगर आप प्रूफ कहेंगे तो हम प्रूफ दे देंगे कि अखिलेश यादव ने BJP को वोट दिया है। जब वो सामने आएंगे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरा, वो इसलिए है, मैं आपके मार्फत बता ही देता हूं कि जो आदमी खड़े होकर के ये ऐलान कर सकता है कि साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें सबक सिखाना है, इसका मतलब सीधा यह है कि वो वोट को डाइवर्ट करके वो कहीं और डलवाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने अपनी साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले को सबक सिखाने की बात की है तो जाहिर सी बात है उनकी नजर में BJP से अच्छी कोई बातचीत नहीं है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने BJP को ही वोट दिया होगा, और नहीं है तो कसम से बता दे कि हमने नहीं दिया। आलमबाग लखनऊ के अंतर्गत गड़ी कनौरा तकिया के पास बहुत सारे कश्मीरी सर्दियों में आकर रहने लगते हैं। किसी बात को लेकर कश्मीरियों में की आपस में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते ये लड़ाई इतनी उग्र हो गई कि आपस में पत्थरबाजी करने लगे। ये लड़ाई आम बात नहीं है, यहाँ अक्सर देखने को मिलती है, बावजूद पुलिस के कोई कार्रवाई नहीं करती। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में फिनिक्स मॉल से बरगवां की तरफ SKD अस्पताल का परिसर है। SKD अस्पताल ने बरगवां जाते हुए सड़क की बाईं तरफ पूरी तरह कब्जेदारी करते हुए अस्पताल की पार्किंग बना रखी है। यहां से गुजरने वाले वाहनों को सड़क के दाहिने हिस्से से होकर आगे जाना पड़ता है। नागरिकों के विरोध करने पर अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अवहेलना की जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि नगर निगम ने बिना ठेका उठाए और जानबूझकर SKD अस्पताल को मनमानी करने की छूट दे रखी है। यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमिका पर भी बड़ा सवालिया निशान लगता है कि बिना पार्किंग स्थल के कैसे बहुमंजिल बिल्डिंग का नक्शा पास कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर के इंफाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने अपनी इस रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस 15 साल से यहां पर शासन कर रही है, लेकिन उसने राज्य के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल में नहीं किया, हम 15 महीने में कर देंगे। राज्य में चल रही नाकेबंदी पर पीएम ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार आते ही हम कोई भी नाकेबंदी नहीं रहने देंगे और दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। ताज़ातरीन खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें www.खबरों की दुनिया.com।